सुप्रभात प्यारे बच्चों, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट प्रॉब्लम्स डज द इंडस्ट्री फेस, व्हाट रीसेंट डेवलपमेंट्स हैव लेड टू डू ए राइज इन द प्रोडक्शन कैपेसिटी। इस उद्योग की क्या समस्याएं हैं, इस किन सुधारों के अंतर्गत इसकी उत्पादन क्षमता बढ़ी है। हेडिंग वाइज इसमें आंसर हैं, प्रॉब्लम्स ऑफ द इंडस्ट्री, उद्योगों की समस्याएं। फर्स्ट नंबर पे कैपिटल, पूंजी। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री रिक्वायर्स लार्ज कैपिटल इन्वेस्टमेंट विच ए डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया कैन नॉट एफोर्ड। मैनी ऑफ द पब्लिक सेक्टर इंटीग्रेटेड विद द हेल्प ऑफ फॉरन एड। लोहा और इस्पात उद्योग को अधिक पूंजी निवेश की आवश्यकता होती है, जो कि भारत जैसे विकासशील देश के सामर्थ्य में नहीं है। विदेशी सहायता से अनेक सार्वजनिक समन्वित इस्पात केंद्रों की स्थापना की गई है। सेकेंड नंबर पे मॉडर्नाइजेशन, आधुनिकीकरण। पब्लिक सेक्टर प्लांट्स आर मोर देन 35 ईयर्स ओल्ड। सार्वजनिक उपक्रम 35 वर्ष पुराने हैं। देयर मशीन्स हैव बिकम ऑब्सोलेट एंड सो देयर प्रोडक्टिविटी इज वेरी लो एज कंपेयर्ड टू द डेवलप्ड कंट्री। उनकी मशीनें अक्षम हो चुकी है, इसलिए उनकी उत्पादकता विकसित देशों की अपेक्षा बहुत कम है। थर्ड पॉइंट, लो प्रोडक्टिविटी, कम उत्पादकता। द पर कैपिटल लेबर प्रोडक्टिविटी इन इंडिया इज एट 90-100 टन्स विच इज वन ऑफ द लोवेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। द लेबर प्रोडक्टिविटी इन जापान, कोरिया एंड सम अदर मेजर स्टील प्रोड्यूसिंग कंट्रीज इज अबाउट 600-700 टन्स पर मैन पर ईयर। भारत में प्रति श्रम उत्पादकता 90-100 टन तक है, जो कि विश्व में सबसे कम है। जापान, कोरिया तथा कुछ अन्य प्रमुख इस्पात उत्पादक देशों की प्रति वर्ष श्रम उत्पादकता लगभग 600-700 टन है। फोर्थ पॉइंट है, लो पोटेंशियल यूटिलाइजेशन, निम्न संभाव्य उपयोग। द पोटेंशियल यूटिलाइजेशन इन आयरन एंड स्टील इज वेरी लो। रियरली द पोटेंशियल यूटिलाइजेशन एक्सीड्स 80%। लोहा इस्पात का संभाव्य उपयोग बहुत कम है, बहुत कम संभाव्य उपयोग 80% को पार करता है। स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट, सरकार द्वारा उठाए गए कदम। फर्स्ट पॉइंट इसमें, गवर्नमेंट इज फॉलोइंग द पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। सरकार वैश्वीकरण तथा उदारीकरण की नीति अपना रही है। सेकंड, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इज बीइंग एनकरेज्ड इन द सेक्टर। इस क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसमें पॉइंट है, इनको अपनी नोटबुक में लिखेंगे, उसके बाद याद करें।